के सिद्धनाथ आश्रम पर होने जा रहा है 151 कन्याओं का विवाह। क्या करते हैं यहाँ पर श्रद्धा से 5 बार खाली 5 शनिवार दर्शन कर जाए या 5 सोमवार कर जाए तो उनका कष्ट दूर हो जाएगा। ये यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुनबा कर सकता है इस कार्यक्रम में शिरकत। योगी जी से मिले, उन्होंने भी कह दिए हैं कि हम जो है आपके कार्यक्रम में सिद्धनाथ पीठ के पीठाधीश सुखदेव त्यागी महाराज पिछले 15 सालों से करा रहे हैं विवाह सम्मेलन। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ये सिमेज। अभी हम उपस्थित हैं टहरौली के सिद्धनाथ आश्रम पीठ पर और आप बगल में खड़े बाबा जी को देख रहे हैं, ये यहाँ के पीठाधीश हैं। और आने वाली 14 तारीख से जो यहाँ प्रोग्राम शुरू होने वाला है उस सिलसिले में हम लोग चर्चा करेंगे। एक खास तौर से इस पूरी चर्चा धार्मिक होगी और इन 14 से 25 जो तारीख जो बीच में होगी इन दिनों में क्या यहाँ कार्यक्रम होंगे, किस तरीके से वो आयोजन किए जाएंगे और कौन मुख्य अतिथियों के रूप में रहेंगे और कौन अतिथि रहेंगे। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो जय श्री सिद्धनाथ की जय हो और सभी मीडिया के लोग के सभी जो है धन्यवाद है कि आप लोग जो है आकर के समय निकाल करके इतना जो है यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं और सभी क्षेत्रवासियों को ग्रामवासियों को। जी, क्या होता है जब हम किसी भी कार्यक्रम का आयोजन करते हैं चाहे वो यज्ञ हो चाहे कन्याओं के विवाह हो, तो सबसे पहले क्या होता है एक मैप बनाना जरूरी होता है। तो वो रणनीतियाँ क्या हैं कि क्या क्या पहले तो संक्षिप्त में हमें बता दें क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। सिद्धनाथ की कृपा से जो है 14 जनवरी से जो है आपका जो मकर संक्रांति चालू होता है उसी दिन जो है शारदा माँ का जो है पूजन पाठ अर्चना चालू होगा। 18 जनवरी को जो है माता जी का स्थापना होगा, उसी दिन कलश यात्रा होगा। और जो है इसमें जो है जैसे अभी अभी हम कल आए हैं तीनों अतिथियों से मिल करके जैसे डिप्टी सीएम सीएम और जो है स्वतंत्रदेव जी इन लोग से मिल करके आए हैं, ये सब भी अपना समय दिए हैं कि हमारे वहाँ जो है आने का और सबका लालाहित भी हैं। और जैसे 2020 में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आए थे और अब की भी वो जो है आने का आश्वासन और समय दे दिए हैं और स्वतंत्रदेव भी जी भी यहाँ पर दे दिए हैं। उसके बाद हमने माननीय योगी जी से मिले, उन्होंने भी कह दिए हैं कि हम जो है आपके कार्यक्रम में 20 से लेकर के 25 के बीच में हम कभी भी आ सकते हैं। तो अभी योगी जी का बिल्कुल कंफर्म हो गया है। हाँ, कंफर्म हो गया, कंफर्म हो गया कि वो 25 को आएंगे। हाँ, 25 को आएंगे, 25 को आएंगे। और उनको भी लगा कि हम जो है झांसी तो बराबर हम जाते हैं मगर हम क्यों न तहसील स्तर पर पहुँचे, वहाँ पर वहाँ के लोगों की समस्या भी सुने। और धार्मिक जगह यहाँ पर 151 कन्याओं की शादी 25 तारीख को इस अवसर पर जो है वो आशीर्वाद के स्वरूप में यहाँ देने आ रहे हैं। जी, मुझे जहाँ तक जानकारी है यहाँ शादियाँ जो 151 कन्या या संख्या आगे पीछे होती रहती है, विगत वर्षों से शादियाँ हो रही हैं तो ये मैनेज कैसे होता है? सामाजिक लोग आते हैं वो मदद कर रहे हैं कि आप खुद से ही जो यहाँ दान दक्षिणा जो दी जाती है उससे? ये जो है सबके सहयोग से क्षेत्रवासी और ग्रामवासी जितने यहाँ तहसील के अंदर जितने गांव लगते हैं यहाँ के हर लोग यहाँ पर जो है दान करते हैं उनके सहयोग, क्योंकि हमें जो है भिक्षावृत्ति कर करके, क्योंकि हम सोचते हैं कि सब लोग अपने बच्चियों के लिए लाखों करोड़ों खर्चा करते हैं और दान अपना दहेज देते हैं, तो हमें लगा कि हम यज्ञ भागवत तो कराते ही कराते हैं, क्यों ना हम गरीब बच्चियों के हाथ पीले करें यहाँ पर और जो है दक्षिणा लेकर के मांग करके भिक्षावृत्ति करके। हमारी जो कमेटी है जितनी है वो सब सब लगे हैं और क्षेत्र के लोग जो हैं हमारे जो शिष्यगण हैं सब लोग लगे हैं इसमें सहयोग देने के लिए। और तन मन देख रहे हैं आप लोग, आपके सामने जो है इस समय लकड़ी भी कट के आ रही है और आपके सामने निर्माण भी हो रहा है जहाँ माता जी को बैठाया जाएगा और सभी लोग अपना कार्य में लगे हुए हैं। कितने वर्षों से शादियाँ करा रहे हैं? ये जो है ये हमारा 14वां कार्यक्रम है, 13 साल तो हो गया पूरा जी। ये 14वां कार्यक्रम है और सबके सहयोग से चल रहा है। इसमें जो है किसी का न कोई छोटा है न कोई बड़ा, हमारे लिए सबके सहयोग से चल रहा है। ऐसे क्या होता है ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगहों तक जानकारियां नहीं पहुंच पाती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो शादी के लिए आपसे संपर्क करेगा
सम्मेलन में हिस्सा लेगा वो उतने कुशल तो नहीं होंगे कि उन आसानी से उन तक जानकारी, तो क्या कोशिश करते हैं आपके लोगों तक आसानी से ये जानकारी पहुंच जाएगी, वो जो बच्चियों की शादी नहीं करा पा रहे हैं वो आपसे संपर्क कर रहे हैं? हमारा जो है 14 साल से चल रहा है, हमने आज तक, अभी पहले हम माइक द्वारा प्रचार कराते थे या पेपर द्वारा या किसी द्वारा, अब जो है अपने आप आदमी जो है हमारा इंतजार करता है कि जो है दिसंबर से चालू हो जाता है। दिसंबर से हर लोग यहाँ पर आना जाना, फ़ोन से संपर्क करते हैं, हमारे जो कार्यकर्ता है उनका फ़ोन से संपर्क करते हैं, सबके सहयोग से, और कोई यहाँ पर जो है और जो क्षेत्र के लोग हैं, हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने पूर्वांचल से हो करके भी बुंदेलखंड के, हम जो अपना भले हमारा जन्म वहाँ पर हुआ है मगर हमारा बुंदेलखंड कर्म भूमि हमें मिली है, क्योंकि इस जीवन को कभी, इस जीवन को जो है कभी हम व्यर्थ नहीं देना चाहते हैं, कि ये जो है साधारण मनुष्य योनियाँ नहीं मिलती है, पूर्व जन्म का कुछ तपस्या होता है और होता है, माता पिता का फल होता है, आशीर्वाद होता है, तपस्या होता है माता पिता का, उनके द्वारा जो है कार्यक्रम जो है, हमेशा हमने एक ही चीज़ मांगते हैं भगवान से कि प्रभु हमें कभी अहंकार मत देना और कोई ऐसा काम न हो जाए जिससे हम सर जो है झुका के चले, हमेशा जो है डरते हैं केवल केवल परमात्मा से और किसी से डरते तो नहीं हम, और सब बच्चियों को जो हम ज़्यादा से ज़्यादा दहेज देने की कोशिश कर रहे हैं, हर बच्ची को कम से कम 50,000 से ऊपर हम दहेज देते हैं। आप लोग जो यहाँ के मीडिया लोग हैं और लोग हैं क्षेत्र के लोग खुद देखते हैं, हम कोई हमें जैसे चुनाव नहीं लड़ना है या कुछ करना है कि चुनाव के लिए, चाहे यूपी की बच्ची हो, चाहे एमपी की बच्ची हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, हम सबके जो है शादियाँ करते हैं जी। अब आगे की चर्चा गुरु जी हम चलते चलते करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका ये जो मंदिर का परिसर है वो भी हम घूम लेंगे। ये जो आपने बात बताई है ये शादियों की हो गई, इस आयोजन की होगी, आपने अतिथि भी बता दिए कि आपके केशव प्रसाद हैं, सुकम देव सिंह हैं और योगी जी हैं आपके आने वाले जो प्रोग्राम है उनमें ये शिरकत करेंगे। अब क्षेत्र का युवा क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, मनोरंजन साधन व्यक्ति खोजता है, वो ये शायद मेले हों या ऐसे कुछ आयोजन है, तो उनके लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है? हाँ, मेला के भी इंतजाम किया है, जो सामने आप लोग की ग्राउंड दिखाई दे रहा है, ये वाला कैमरा, हाँ, सामने वाले दिखाई दे रहा होगा, इधर जो है जितने झूले वाले दुकानदार लोग और लोग आते जाते हैं, हमारा होता है या रामलीला मंच है वो नीचे होता है, ऊपर केवल यज्ञ का आयोजन रखा जाता है, ऊपर यज्ञ का होगा, नीचे दुकानें लगी, दुकानें और भागवत रामलीला। और हमें जानकारियां मिल रही थी कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोकगीत संगीत जैसा कुछ विचार चल रहे हैं आप? हाँ, धार्मिक कार्यक्रम जो है रखा गया है, जैसे आपको 18 जनवरी से रामलीला भागवत ये चालू हो जाएगा, और 14 जनवरी से लेकर के 17 जनवरी तक रामचरितमानस का जो है प्रवचन चलेगा यहाँ पर, और वो भी बहुत सुंदर, जो यहाँ के जानी मानी छिपी हुई हीरे थी उसको हम लोग खोज के निकाले हैं, और वो जो है यहाँ पर अमृत का वाणी अपना बरसाएंगी, सब लोग हम लोग उसे श्रवण करेंगे जी। और सब अच्छी अच्छी बातें जो धार्मिक अपने हिंदू धर्म का होता है वो जो है हमें जो छिपे हुए हैं, कुछ लोग जैसे कहते हैं मंदिर जाने से क्या होता है या इससे करने से क्या होता है, पहले आप करिए, उसे करके देखिए, जब उससे क्या फायदा होता क्या नहीं। तो जैसे हम लोग घर में आजकल, पहले देखे थे 10 साल के पहले 20 साल के पहले कि मिट्टी के दीपक में हम लोग दीपक जलाते थे, तब अंतिम में बुझता था तो उसकी कितनी अच्छी खुशबू गांव में घूमती थी, घर में घूमती थी, तो उससे क्या होता था हमें एनर्जी मिलती है, जब से हमें लाइट मोमबत्ती ये चला है इससे हमें एनर्जी नहीं मिलती है, मिलती है उसी से, घी से मिट्टी के दीपक में जलाएं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है, जो हमारा इधर उधर मन भटकता है वो भटकेगा नहीं। ये प्रैक्टिकल करके देखिए आप लोग, सबसे हम कहते हैं नहीं, बिल्कुल, हम जैसे जो युवा हैं उनके साथ क्या हो रहा है कि वो चकाचौंध वाली जो जिंदगी है या जो जिसमें जो दुनिया दौड़ रही है, कुछ हम जैसे भी निकल के आ रहे हैं कि उससे अब दूर हट के पुरातन जो सभ्यता या संस्कृति है उसकी ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ये कहें कि समय पे हम लोग समझ गए या किताबों की वजह से हम बहुत जल्दी संभल गए। इसके बाद आप चर्चा में आपने पहले बताया था इस मंदिर में स्थापना होगी, हाँ, माता जी सामने जो दिख रहा है जो उसमें काम भी चल रहा है उसमें जो है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में कहीं भी शारदा माँ का मंदिर नहीं है, या तो मैहर में माता जी है या तो जालौन जिला में जो है बैरागढ़ है वहाँ पर है माता जी, तो हमारे मन में उभास, और रात में एक आवाज आई
कि जो पिता है तो माता क्यों नहीं, तो हमने उसी दिन संकल्प किए कि माँ शारदा को यहाँ पे लाया जाए। तो आप पहले मैं ये बिल्डिंग दिखा दो, माँ शारदा को जो है जी लाया जाए। तो हमारे यही अपने भक्तगण से और लोग से हमने चर्चा किए तो वो सभी बोले बहुत अच्छा बहुत सुंदर है कि जो अपनी जो हम लोग इतना दूर जाते हैं दर्शन करने, तो हम लोग को बैठे बैठे यहीं जाएगा मिल, इसके द्वारा जो कार्यक्रम और स्थापना का चल रहा है। तो ये इसकी तारीख की आपने 14 तारीख बताई थी, 14 तारीख से पूजन जो है चालू हो जाएगा और 18 जनवरी को माता जी उसमें विराजमान हो जाएंगे और बहुत तेजी से काम चल रहा है। देख रहे हैं अपने अभी काम चल रहा हो जाएगा, जो एकदम 14 ये जो है शायद 4 तारीख 15 तारीख तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 15 तारीख और जिसे सामने देख रहे हैं शनिदेव का अगले साल का किए थे निर्माण, अब उनको स्थापना कराया था सबके सहयोग से, इसलिए किसी की कार नहीं है कि हमारे तरफ से सबका नहीं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो लोग यहाँ आके खुद से देते हैं कि जैसे आपने बताया था कि लोग जाते हैं, नहीं नहीं देखिए कभी कभी ये होता है कुछ लोग तो दे जाते हैं, कुछ लोग को जगाना पड़ता है, उन्हें जगाना पड़ता है, धर्म के लिए जगाना पड़ता है हमेशा। कहीं भी देखे होंगे, किसी भी गांव में देखेंगे, किसी भी क्षेत्र में देखे होंगे, और काम के लिए तो पैसा अपने आप आ जाता है, मगर धार्मिक कार्यक्रम के लिए जो है उत्साहित करना पड़ता हूँ। तो क्या जैसे आपने जब मिलने गए होंगे योगी जी से और आपने अपनी बात रखी कि हम ये कार्यक्रम करा रहे हैं, तो क्या उन्होंने और दूसरी बातों पर सहमति जताई है कि आप वो क्षेत्र के लिए भी कुछ और यहाँ पे लाएंगे साथ में, ऐसी कोई बात नहीं? हाँ, जैसे यहाँ पर जो है आपका जो है नगर पंचायत है, ब्लॉक है, ये दोनों नहीं है, अस्पताल है, ये सब के लिए भी हमने वहाँ पर चर्चा कर चुके हैं और उसके लिए भी यहाँ पर चले। आज जब वो यहाँ मंच संचालित करेंगे या अपनी बात रखेंगे तब शायद क्लियर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा क्या क्या मिले। पिछली बार क्या हुआ था, केशव जी आए थे तो शिलान्यास उस समय शायद अभी कोरोना के बीच में तो प्रोग्राम नहीं होते, कोरोना के पहले जो हुआ था उसमें देखा गया था कि काफी योजनाओं के पत्थर यहाँ रखवाए गए। हाँ, तो रोड कई जो रोड के हुए तो उस समय वो जो है रोड कई ठहर बन चुके हैं और काम चल भी रहे हैं। जैसे आपका बघेरा रोड है, सामने आपका रोड दिखाई दे रहा है, ये वाला नहीं बना था, ये हेलीपैड यही बना था पहले, हेलीपैड यही बना था, ये सब चीजें चल रहा है इसका। अब हम 25 तारीख के प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं कि जिस दिन क्या होता है कि शादियां होती हैं उस दिन एक तो क्षेत्र का ये बहुत बड़ा आयोजन होता है जहां तक मुझे जानकारी है, तो एक तो पुलिस को भी लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने में बड़ी समस्या होती है, तो इसके लिए भी अधिकारियों से आप बराबर संपर्क बना रहे हैं? हाँ, इसमें जैसे हमारे जो है जिले के DM साहब हैं वो भी, आज जो हमारे तहसील के अधिकारी लोग हैं या थाना प्रभारी हैं, क्षेत्र प्रभारी हैं, सबसे हमने कह चुके हैं, सबको हम अवगत भी करा दिए हैं और इसके लिए वो सब हमेशा तन मन धन से, यहाँ तक हमारे जो सामने सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर 25 तारीख को आप देखेंगे डॉक्टर की टीम या जो विद्युत विभाग हमारे लोग हैं यहाँ पर सबकी टीम लगी रहती है पूरा। जब आप बता रहे हैं 14 साल से आप यहाँ हैं तो हमें नहीं लगता तो ये निर्माण आपके समय में हुआ है, ये आसपास दिख रहा है? हाँ, ये जितने निर्माण आपको दिखाई दे रहा है ये सब है, ये पहले का हमारे आने के पहले ये था अकेला, ये था अब मंदिर है और शंकर जी का मंदिर था, हनुमान जी का स्थापना हुआ था मगर उतना वो उनका शुद्धिकरण नहीं हुआ। और ये जो आपके सामने और बिल्डिंगे दिखाई दे रहे हैं और चीज दिखाई दे रहे हैं ये सब के सहयोग से जब से हम आए हैं, ये रोड भी जैसे संदीप जैन जी आए थे जब ये रोड दिए थे ऊपर आने के लिए, हैं पानी का साधन ऊपर सब, ये सब का है कि सबके सहयोग से। चलो ये आपने तो बता दिया कि BJP के जो मुख्य नेता हैं और एक तरीके से हैं जो लखनऊ में बैठे हैं वो लोग आ रहे हैं, और कोई दूसरी पार्टियों से लोग शिरकत कर रहे हैं? देखिए इसमें जो है ये मंदिर है जी सबका है जी, चाहे वो BJP का हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे सपा के हो, चाहे BSP के हो, किसी का भी हो, सब लोग भी यहाँ आ चुके हैं और हम सबको बुलाते भी हैं कि सब लोग आइए। नहीं नहीं बिल्कुल, आप गुरु जी आपने जो बात कही वो मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो राजनीति का जो कि नियम चल रहा है कि मंदिरों की जब बात आती है तो बस जहन में एक पार्टी आ जाती, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जनता के माइंड मैप ऐसा बन चुका है, इसलिए मैं हमने जानने की कोशिश की कि और लोग भी आ रहे हैं। नहीं नहीं आते हैं और जो है जैसे देखिए ये सबकी मंदिर तो सबका है बिल्कुल, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे BSP। हाँ, इतना हुआ है इस सरकार में कि जो हमारी जो है धार्मिक जगह छिपी थी
जो उससे नहीं मिलती थी वो चीज इसमें हमें मिला, पहचान मिला है धार्मिक, उसमें कोई दिक्कतें नहीं होती है। आप भी देख रहे हैं कि जब से कहीं धार्मिक पोजीशन या कुछ हुआ लड़ाई कहीं कहीं नहीं, तो इसमें भी नहीं। और जितने यहाँ कार्यक्रम होते हैं सबके सहयोग से सब पार्टियां यहाँ करके, उस दिन आप 25 तारीख को देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये कैसे संभाला जाता है कंट्रोल। तो हम जानते हैं कि हमारे सिद्ध बाबा जो है यहाँ पर उनकी कृपा से उन्हीं के द्वारा हम यहाँ आए हैं। तो कोई क्या होता है जब प्रोग्राम बड़े होने लगते हैं या चाहे वो मंदिर हो, तो क्या आगे चल के ऐसा है कि ट्रस्ट का निर्माण करना पड़ता है? तो यहाँ कोई ऐसी ट्रस्ट चल रहा है या ऐसा कोई संगठन चल रहा है? हाँ, हम जो है इसको जो है ट्रस्ट का नाम हमारे है सिद्धनाथ ज्ञान ज्योति दिगंबर के नाम से चल रहा है, और ये जो है ट्रस्ट हम और आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वैसे अभी कितने सदस्य इसमें? अभी जो है लगभग जो है 50-60 लोग हैं। हाँ, 50-60 लोग हैं, और सब जो है वो भी सब गरीब वर्ग के हम रखे, और हर समाज के लिए रखे हैं। ये नहीं कि फलाने रहेंगे ठेका, नहीं, सब जात चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो सबको हम रखे, और हम सबको एक समान देखना चाहते हैं सब। हाँ, जो हमारे धर्म पर आँच फैलाएगा तो वहाँ थोड़ा सा हमें कुछ न कुछ डिसीजन लेना पड़ता है। ये बात सही है, डिसीजन वो अब लेना पड़ेगा, और समय भी कम बचा है वैसे लोगों को लगता है। जब आयोजन हम कराते हैं तो धीरे धीरे एक दिन है, इतने जल्दी गुजरते हैं, तो तैयारियां जैसे ये तो देख ली कि आपकी तैयारी चल रही है, और क्या तैयारियां चल रही हैं कि जो बिल्कुल स्पीड से दौड़ रहे हैं? स्पीड से जैसे जो है हमारे जो है हर चीज आप देखेंगे, आपको जब 14 तारीख को जो आपको समय मिलेगा जरूर आइएगा, क्योंकि उस समय जैसे 1 जनवरी को जो आप आते हैं तो यहाँ पर कम से कम 10,000 की भीड़ थी, पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं, और 14 जनवरी को तो मकर संक्रांति है, वो पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने। जैसे हम नीचे हमारे जो है अभी 11 जनवरी से जो है गायत्री मंदिर का जो है गायत्री यज्ञ होने चालू होने वाला है 11 से लेकर के 14 तक, और 14 से लेकर के हमारा जो है 25 तक ये चलेगा। यहाँ पर बहुत अच्छी है ये नगरी, टहरौली कहा गया है, मगर हम टहरौली को अपना हृदय और गुरु भी मानते हैं, क्योंकि हमें यहाँ ताकत बहुत मिली। जब तक हमारा विरोध नहीं हुआ था, जब तक हम कुछ नहीं जानते थे न धार्मिक में न किसी में, जब से थोड़ा बहुत विरोध हुआ तो हमें ताकत मिली, वो हमारे मित्र हैं। कुछ लोग कहते हैं कि फलाना ढिकाना, हम इस कान से सुनते इस कान से हटा देते हैं, क्यों कि ये तो नाना जब भगवान राम को नहीं छोड़े सर, सीता माता को नहीं छोड़े, तो हम तो एक साधारण है मनुष्य हैं, उसमें कौन है। तो इससे भी हम नहीं घबराते, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य कि अपने जब तक कांटे हैं कांटों को धीरे से निकालते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। वैसे तो चर्चा अंतिम पड़ाव पर, लेकिन एक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न इसलिए है कि हम अपने एक चैनल में खास एक श्रृंखला चलाते हैं धार्मिक स्थलों की श्रृंखला, और हमारा कहीं ना कहीं जाना, तो प्रश्न ये है कि जैसे आप धर्म से लोगों को डायरेक्ट जोड़ रहे हैं, लेकिन कई लोग जो हैं जो पढ़ रहे हैं उन्हें सीधा समझ में नहीं आता था, मुझे भी नहीं आता था, लेकिन अगर कुछ ऐसा आप करने वाले हैं आगे समय में जो किताबों से होकर जाए, तो कुछ ऐसा है माइंड में कि छात्रों को उस शिक्षा से जोड़ा जाए कि वो किताबों से होकर जाए? हाँ, जिसे हमने एक यहाँ के लिए हम तीन योजना और सोची है। जैसे देखे हमने बुजुर्ग जो माता पिता हैं उनके बच्चे उनको नहीं रखते हैं, तो हमारा लक्ष्य है कि यह वृद्धा आश्रम बनाने का, पहला उनका निःशुल्क जो है यहाँ रहना खाना पीना सब कुछ, जो विकलांग लोग हैं उनके लिए भी हम सोचे हैं कि उनका शिक्षा दीक्षा यहीं पढ़ाई लिखाई सेवा सब मिला रहे। और तीसरा जो है आप बोले हैं कि युवा पीढ़ियों के लिए पुस्तक द्वारा हम वो भी जो है तैयार करा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो है फिर सामने उनको यज्ञ में प्रेरित करते हैं कि यज्ञ में आप लोग बैठिए, अपने हाथ से जो है जैसे हम लोग भोजन करते हैं उसी तरह हम लोग अपने जो हैं पूर्वज जो हम लोग को बता गए हैं या हमारे गुरु महाराज बताते हैं कि जो हम अपने हाथ से हवन में बैठते हैं, अपने हाथ से हवन में हम लोग आहुतियाँ देते हैं कुंड में, तो उसी का होता है कि हमारे देवता जो ये एनर्जी चारों तरफ फैलती है, चारों तरफ इस एनर्जी से जो जितने दूर तक इसका जाएगा धुआं वहाँ तक जितने बुरा होंगे सब वो सब नष्ट होते हैं। जैसे शंख बजाने से ध्वनि देखते हैं कितनी दूर के पूरी दूरी कवर होती है, इसी तरह ये आकाश मंडल में जब जाता है तो बारिश का रूप बनाता है।
मगर आज दिन हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ को हम लोग कटवाते चले जा रहे हैं, नष्ट करते जा रहे हैं। तो अब हम लोग आपके विचार बनाए हैं यहाँ पर कम से कम हजारों पेड़ लगाने की, ये भी जो है जून जुलाई में हजारों पेड़ का जो है यहाँ पर रखा जाएगा लगाने का, और सबके सहयोग से, सबसे चंदा उसमें भी हम ले रहे हैं, क्योंकि हमें तो एक लाइसेंस मिला है कि किसी जेब से निकालने के लिए, धर्म कराने के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़े तो हम झूठ बोलने के लिए तैयार रहते हैं। क्यों कि वहाँ पर किसी से कह दो कि भैया आपको मंदिर चलना है जी, तो कहेंगे अरे हमें वहाँ समय नहीं है, क्या फलाना नाना प्रकार के प्रश्न चिन्ह उठाना चल बहाना बनाते हैं। तो हम कहते हैं आप एक बार जाइए वहाँ, देखिए कि हमारे भगवान कौन है, हमारे पूर्वज जो बना गए हैं, जो हम भी चाहते हैं अरे बना गए क्यों हम बनाएं और क्यों हम करें निर्माण, नहीं हमारा कर्तव्य है, हमारे जो है दायित्व है यहाँ के लोग कि यहाँ पर जो है पूरे कायदे से यहाँ पर जो है धार्मिक बढ़ाएं हम, और सबको जोड़ें। युवा पीढ़ी तो हमारी अभी धीरे धीरे सुधार कर रही है, हमें बड़ी खुशी है कि युवा पीढ़ी हम देखते हैं सवेरे आते हैं बेचारे यहाँ पर दर्शन करते हैं, और हर शनिवार को कम से कम यहाँ पर हर शनिवार को कम से कम 600-700 आदमी शनि भगवान का दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, और उनका जिसका दुख तकलीफ है उनका पूरा भी हो रहा है, मनोकामना भी पूर्ण हो रहा है। मगर हम नहीं कहते हैं कि आप जो भी कोई भी आकर के यहाँ पर श्रद्धा से 5 बार खाली 5 शनिवार दर्शन कर जाए या 5 सोमवार कर जाए तो उनका कष्ट दूर हो जाएगा, ये हम दावा करते हैं। शिवरी जैसा बनिए तो भगवान जरूर हमारे पास आएंगे, हमारे जूठे बेर जरूर खाएंगे। शिवरी जैसा बनेंगे तो मीरा जैसे बनिए कि जो है विष मिला दिया जाए तो वो भी भगवान के नाम पर अमृत बन जाता है। हम लोग जो भोजन बनाते हैं आप लोग खुद देखे होंगे कि वही आपके घर पर बनता भोजन, मसाला और हेन तीन सब कुछ डालते हैं उसमें आनंद नहीं आता है, जो मंदिर पर बनता है भंडारे वाला। तो हम लोग किसके लिए बनाते हैं, परमात्मा के लिए बनाते हैं। तो वहाँ पर देखिए तो कितना उसमें आपको टेस्ट और कितना, क्योंकि हम लोग प्रसाद बनाते हैं, प्रसाद किसके लिए, परमात्मा, खाना तो हम ही को है मगर नाम किसका लेते हैं। जैसे हमारी माताएं बहने हैं खाली वो इतने सोच लें कि हमें जो है भगवान के लिए प्रसाद ही बना, जो जिसको माने, ये नहीं कि हम राम को मानते तो राम को मानिए, नहीं सब एक है। ये बगीचा है, बगीचा में आप कौन सा फल के आप नाम से जानेंगे, तो इसी तरह हम लोग हैं, सबका नाम अलग अलग है। अब कौन सा फल आपको सुटूब कर रहा है, कौन से आपको देवता आपके सामने, जैसे बुद्धि का करना है रिद्धि सिद्धि को आपको बुलाना है, नहीं बुलाना है, बल का तो हनुमान जी को है, सबके काम, सबके काम, जैसे आपको शंकर जी को त्याग का भावना ला रहा है तो उसमें शंकर जी स्वयं कह रहे हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत्य वही है जो हरि को भज ले वही साथ में जाएगा। हम लोग रुपया पैसा सब कुछ कमा लेते हैं अपने बाल बच्चे के लिए मगर उसको हम लोग संस्कार नहीं देते। जो बच्चों को हम 3 चीज दें, पहला तो हम समय और अच्छी स्कूल में उसका जो है एडमिशन कराएं, और तीसरा जो है संस्कार और समय, शाम को जैसे पढ़ के लड़का आता है समय हम दें, 3 चीज हम जो बच्चों को दे दें, कब तक आप दे दीजिए खाली 20 साल तो बच्चा आपका बिगड़ेगा नहीं। हम देखते हैं बड़ा हमें कष्ट होता है कि वो सब बच्चे उंगली पकड़ते हैं तो ठेला की तरफ लेके जरूर जाते हैं, चॉकलेट खिलाना फलाना खिलाना ढकाना। आप वही जब 5 साल का बच्चा होता है उसको 3 साल का होता है तो मंदिर की तरफ झुकाओ, जब वो जानेगा कि हमारे भगवान है दंडवत प्रणाम कैसे किया जाता है, सीताराम कैसे किया जाता है, राधे राधे कैसे किया जाता है, जब वो मानेगा। नहीं तो आजकल क्या है, टाटा बाय बाय डेड बॉडी, ये क्या है डेडी, ये क्या कहेंगे। मैं बीच में रोक के एक बात रखना चाहता हूँ, हम तमाम चर्चाएं सुनते हैं और कैमरे पे आके सभ्यता और संस्कृति पे वो लोग ज्ञान देते हैं खासतौर से वो ब्राह्मण ही होते हैं, चाहे वो कुमार विश्वास हों या कुमार विश्वास के साथ तमाम कवि या लेखक हों, खुद के बच्चों को ऐसी कौन सी शिक्षा जो भारत में उन्हें नहीं मिल पा रही थी वो विदेश में खुद को बच्चों को भेजते हैं, तो यहाँ के युवाओं से कहते हैं कि वो सभ्यता की ओर बढ़े संस्कृति ओर बढ़े, उनके लिए आप क्या कहेंगे। वो सब जो है अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, हम तो ये कहें कि हमारे देश में क्या नहीं है, क्या स्कूल नहीं है, क्या हमारे वहाँ अध्यापक नहीं है, क्या हमारे वहाँ डॉक्टर नहीं है,
क्या हमारे वहाँ क्या नहीं हमारे पास, जो उनके विदेशी लोग हमारी सभ्यता आके सीख रहे हैं। मथुरा वृंदावन में देखिए, आपको काशी बनारस में देखिए, हरिद्वार में देखिए, विदेशी लोग हमारा सभ्यता अपना रहे हैं, हमारा कपड़ा पहन रहे हैं। आजकल देखिए एक चीज और चल गया, हम बड़े उस पर बड़ा दुखी हैं कि कहना भी नहीं चाहिए, कुछ लोग हमें टिप्पणी भी करेंगे कि आपको नहीं बोलना चाहिए, मगर हम बोलने भी ना मानेंगे नहीं। अब फटा पैंट चला है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बताइए, तो ये सब चीज क्या है, जींस का पैंट। अरे हमारा सभ्यता क्या है, धोती कुर्ता पैजामा कुर्ता, हमारी माताएं बहने साड़ियों में हैं इसमें भैया, और विदेशी लोग देखिए हमारी साड़ियाँ पहन रही हैं, हमारा धोती कुर्ता पहन रही, माला कंठी माला सब हमारे पहन रहे हैं, वो सब राधे राधे श्याम श्याम सीताराम कर रहे हैं भैया। गुरु जी क्या है, जानकारियों का अभाव होता है या हम ये कहें कि शिक्षा के अभाव की वजह से ये सारी गतिविधियाँ होती हैं? क्योंकि क्या होता है, जैसे मुझे बुंदेलखंड में जितने भी युवाओं से हम मिलेंगे तो जैसे अगर कोई ते या मैं करके अगर कोई बात करता है तो उसे बताया जाता है कि बुंदेली असभ्य भाषा है, लेकिन उन्हें ये जानकारी है ही नहीं कि वो हमारी बोली ही ऐसी बोली है। ठीक है, इस पे जब हमने भी कई किताबें पढ़ी तो पुरानी जब हमें किताबें मिली तो उसमें इसी भाषा का उपयोग किया गया, चाहे वो वृंदावन लाल वर्मा की हो चाहे सुमित्रा जी की हो। नहीं नहीं, तो ये घरों से होता है ना, घरों से, कि अगर बच्चे ने बोला कि ते कहाँ गाओ तो मम्मी पापा ने बता दिया कि ऐसा बोल रहा है, ऐसे नहीं बोल रहा है, हालांकि वो बोली ही ऐसी बोली है। देखिए जैसे कहीं हम पूरे भारत का लगभग जो है हनुमान जी कृपा से गुरु महाराज के आशीर्वाद से भ्रमण करते हैं जी। और कई आश्रम हमारे एक दो नहीं कई आश्रम हैं, और सब पर जो हम एक ही और इसी भेष में हम दिखावा भी नहीं करते किसी से, क्योंकि सभ्यता क्या है, घर से ही नाम पड़ता है। जो घर के हम जो है अच्छे स्कूल में बच्चों को बुलाएंगे पढ़ाएंगे, उससे आप करके बोलेंगे तो बच्चा भी आप करके बोलेगा, जो हम तय करेंगे तू करेंगे तो वो तो बच्चा कोई सीखा, क्योंकि अच्छी चीज़ तो सीखता नहीं है। दूसरी बात, हाँ एक चीज़ और आ गया इस बीच में, नशा पर। जैसे हम देखते हैं कुछ लोग अपने बच्चे से कहते हैं बीड़ी मंगा लो या तंबाकू मंगा लो, ये भी गलत बात है, उससे मत मंगवाइए। ठीक है आपका नहीं चल पा रहा है तो आप स्वयं ले आए अपना तंबाकू खाएं बीड़ी पी, मगर इससे भी हम बहुत घृणा करते हैं। एक तारीख 31 तारीख की रात में झांसी शहर अकेला 2.5 करोड़ की शराब पी गया। क्या बात है बताइए, ये क्या है, इसका भी जैसे हमारे बगल में यहाँ दारू बनता था, तो आप लोग भी देखे भी होंगे, हमने बना के डाले भी थे वीडियो, तो वहाँ पर तो कुछ लोग आए हमारे पास बोले क्या है आपके बच्चे, अरे हमारे बच्चे नहीं बिगड़ रहे, मगर जहाँ हम हैं जिस जगह पर हैं वहाँ पर गलत होगा तो उंगली हमारे ऊपर उठेगा कि आप जो है धार्मिक जगह पर ऐसी चल रहा है तो क्या कहेंगे। जैसे हमारे पास कुछ लोग आए कि आप गांजा नहीं पीते हैं, बीड़ी नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं, हाँ किस शास्त्र में किस पुराण में लिखा है बता दिया, लिखा गया है कि कम खाओ गम खाओ, हम तो ये जानते हैं, नशा कहीं नहीं लिखा गया कि नशा से ही भजन होता है, नशा से सब कुछ होता है, ये जो लोग कहते हैं कुछ भ्रांतियों के चलते ये बातें आगे लाई नहीं, ये गलत उनकी ये भ्रांतियां जो फैला रहे हैं ये गलत है। जैसे कई ठहर बोलते हैं कि शंकर जी को चढ़ता है, ठीक है शंकर जी को चढ़ता है चढ़ता है, मगर किस रूप में चढ़ता है नहीं मालूम, चढ़ता है मगर किस रूप में चढ़ाया जाता है, क्यों चढ़ाया जाता है उसको नहीं, उसका हम कहते हैं भैया शंकर जी जहर भी तो पिए थे, वो भी पियो, क्यों नहीं पीते उसका, क्यों नहीं पीते उसको, है कि नहीं बताइए आप, शंकर जी को उपमा देते हैं तो शंकर जी जैसा बने, शंकर जी जैसे कार्य करें। अब जैसे एक बात हमारा विचार है कि सब लोग दशहरा को देखे होंगे, आप रावण को जलाने जाते हैं, रावण ने बोला उसमें से कि आपको ही राम है, हमें जलाने आ गए आप, हमें जलाने आ गए का आपको ही राम है, तो जवाब तो निकलता नहीं कुछ, विचार बनाइए। जैसे हमारे जो पात्र जो होते हैं रामलीला में देखते हैं राम बनते हैं, उस समय हम लोग उनको दंडवत करते हैं, जैसे हमें सब करते हैं दंडवत तो हमें नहीं करते हैं, हमसे नहीं राम राम करते हैं, ये हमारे वेशभूषा को विचार को इसको करते हैं, हम सोचे कि नहीं अरे ये तो हमारी गलत। और हर इंसान को एक बार पिछला मुड़ के देखना चाहिए, हम पहले क्या, चाहे हम ज्ञान हो ज्ञानी हो जाएं
बैरागी हो जाए, धनवान हो जाए, बलवान हो जाए, हमें 24 घंटे में एक बार हमें पिछला दिखना चाहिए कि हम पहले नमक रोटी खाते थे, आज दाल रोटी खाने लगे, तो भूलना नहीं चाहिए पिछला। हम जब बैराग लिए थे घर से भरे थे, क्योंकि अच्छे काम के लिए माता पिता भी नहीं चाहते कि उसमें जाओ। बिल्कुल, ये तो चलन है भारत का, चलन। अब बिजनेस में ये है कि तुम जा रहे जाओ, वहाँ नहीं रोक सकते, ठीक है, अच्छी बात है। मगर क्या है, यहाँ पर हमने देखे तो हम आज भी हमारे पास वो 50 पैसा है, उस 50 पैसा को हम 24 घंटे में 3 बार 4 बार याद करते हैं, इसी 50 पैसे से हम आगे बढ़े। एक को कभी नहीं भूलना चाहिए, भले हमारे पास दहाई हो जाए मगर एक तो एक ही रहेगा। वैसे चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन उसको खत्म करने से पहले एक प्रश्न और है। आप जब आपने शिक्षा ली होगी अध्यात्म की, तो कई जगह और गए होंगे, तो ऐसा क्या यहाँ आप जब यहाँ आए, क्या ऐसा ठहराव लगा कि आप यहीं रुक गए? ये क्या है कि जो हमने पहले जब घर से निकले थे, तो हमने अयोध्या में, हमारा स्थान है गुरु महाराज का, वहाँ रहते हैं, 5-13 बाई त्यागी खास चौक जानकी महल के सामने है। और जब हमने यहाँ से निकले थे तो भांडेर के पास मेन गद्दी हमारी है, कुआं कुचौली भांडेर, ये है चौथी गद्दी हमारी, ये चौथी है। उसके बाद जब हमने यहाँ पर देखे कि जहाँ पुरानी जगह है वहाँ एक करंट है, हमें करंट लगाया, और हमने जिस भगत के यहाँ अपने सोए थे, तो सिद्ध बाबा स्वयं वहाँ पर घोड़ा लेके पहुँचे हैं, नारियल का खुआ दिए, अब बोले आना है। अब हम भी वहाँ से बैठे तो कहाँ आना ये भी नहीं पता है, मगर इनके द्वारा हम यहाँ पर आए, जो चीज़ हमने देखे थे सोते हुए वो चीज़ हमें यहाँ चीज़ दिखाई दी, हमें यहाँ शांति मिली। अब कुछ ऐसी चीज़ हमें दिखाई दिया कि यहाँ हमें रह करके जो अंधकार में डूबे हैं उनको प्रकाश में कैसे लाया जाए, उसके लिए हमें संघर्ष भी करना पड़ा और अभी हम करते रहेंगे। ये शरीर जो है इसी लिए बना है, और गरीबों बच्चियों के लिए जब तक सांस में रोम सांस है शरीर में, जब तक जो है ये बराबर रहे। अभी प्रोग्राम के बारे में आपने चर्चा के दौरान सभी बातें हमें बता दी हैं, अब टहरौली क्षेत्र वासियों के लिए आप अंत में और क्या कहना चाहते हैं, कोई अपील है मतलब आने को लेके, या आके व्यवस्थाएं दिखवाने के लेके, या जो लोग दान देना चाहते हैं उनको लेके? हाँ, वो बात बताएं। यहाँ के क्षेत्रवासी या ग्रामवासी सभी लोग को, टहरौली या जहाँ तक हमारा ये आवाज़ जाएगी, सबसे हम यही निवेदन करेंगे कि आप लोग जैसे 100 रुपया कमाते हैं तो उसमें से जरूर 10 पैसा निकाल करके अपने लिए एक पूंजी इकट्ठा करें। पूंजी क्या है, जब हम दान करेंगे, भगवान का भजन करेंगे। और दूसरी बात, ये सबका कार्यक्रम है, ये नहीं कि ये सुखदेव दास त्यागी जी का कार्यक्रम है, नहीं, ये सबका कार्यक्रम है, सबकी सहयोग से चल रहा है। और जितने लोग हैं आवाज़ सुनेंगे या देखेंगे हमें, तो हम सबसे हाथ जोड़ करके विनय करेंगे कि आप लोग इस कार्यक्रम को जितना आगे बढ़ाओगे उतना यहाँ पर जो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, और ये जो है हमेशा हम इसी धाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सबके सहयोग से तन मन धन जो जिसके पास जो बने वो जरूर दान करें कन्याओं के लिए, ये के लिए हमें पैसा नहीं चाहिए, सामान दहेज में आप दान करना चाहते हैं, बच्चियों को देना चाहते हैं, गिलास देना चाहते हैं, चम्मच देना चाहते हैं, या कुछ भी, या हवन में देना चाहते हैं, घी देना चाहते हैं, दही देना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, या भंडारे में देना चाहते हैं उसमें कर सकते हैं, कुछ भी आप दान, हमें पैसा मत चाहिए। हाँ, क्योंकि हमारे पास आप भी अकाउंट में जाके देखिए, वो भी अकाउंट हम खुलवा नहीं रहे थे, मगर हमने गैस का सिलेंडर लिया तो अकाउंट खुलवाना पड़ा उसमें, सब्सिडी तो हमने सब्सिडी भी छोड़ दिए। और जो ये हर मंदिरों को देखे होंगे खेती है, मगर सिद्धनाथ एक ऐसा मंदिर है, किसी से आप चर्चा कर लेना, यहाँ पर एक हिस्सा जमीन खेती नहीं है, आकाश वृत्ति और सिद्ध बाबा की कृपा से और सबके सहयोग से यहाँ पर विकास हो। और यही कहेंगे सिद्ध बाबा से कि सबका झोली भरा रहे, उनके बाल बच्चे सुखी रहें, अपने बच्चे को अच्छे शिक्षा दीक्षा दीजिए। जय सिद्धनाथ, जय सिद्धनाथ। आपने सुखदेव जी को सुना, उन्होंने सारी बातें रखी जो 14 से 25 जनवरी के बीच में मतलब सारे कार्यक्रम होने हैं,
टहरौली के सिद्धनाथ आश्रम पे, जो कि एक छोटी सी पहाड़ी है, इस पे मंदिर स्थापित है। आपने सारा देख लिया होगा, सारी चीजें आपने। और ऐसे ही आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे ऋषभ। धन्यवाद।